चाची घबराई हुई है। मैंने बोला मिस्ट्री मैन, मैं बोला कोई घबराने की बात ही नहीं, वो बॉम्ब का जो चल रहा है स्कूल में। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह दिन ऐसे शुरू हुआ है, बिना रेडी हुए सिर्फ कपड़े बदले मैंने, अभी मेरे को हेड वॉश वगैरह सब करना था, स्कूल से कॉल आया है, रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं कि बच्चों को वापस लेके आओ, बच्चों को। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं सच्ची बताऊं मैं सो रही थी उस टाइम। और फटाफट नींद में जब सर का कॉल आया ना, तब मुझे लगा अलार्मिंग। वैसे नहीं, मैं डरती, सॉरी के सर का आया। कई बार ऐसी आती है न्यूज, कोई बात नहीं, टेंशन तो हो जाती है इतनी। सबका, रिश्तेदारों का और सॉरे के सर का फोन आया ना, मैम 10 मिनट में ले जाइए, तब मुझे लगा यार। फिर मैंने सना की मैम को कहा, मैंने कहा मैम, मैं वो कह रही सब ठीक है, मैंने कह रही फिर भी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मैंने कहा नहीं यार लेके जाती, मेरा दिल नहीं मानेगा कि बच्चे स्कूल में बैठे। समझ नहीं आ रहा, सबसे पहले डीपीएस में आया है, मैं जब देख रहा था उसके बाद हमने न्यूज देखनी शुरू की है वो तो यार। हाँ, उसके बाद आपने देखी, पर अभी देखियो अभी और सबके जिन जिनको नहीं भी पता ना, बच्चे आ जाएंगे तब तक कॉल आते रहेंगे कि सेफ हो कि नहीं हो। हर बच्चा हर माँ बाप बिल्कुल निकले हुए हैं रोड पे, कोई भी माँ बाप ये चीज सुन के रख नहीं सकता बच्चों को स्कूल में। मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। लेकिन मतलब यार ये जिसने भी करा पूरा दिल्ली घुमा दिया उसने यार। और ये सोचो, और ये सबसे बड़ी बात, आज कुणाल की वो किस्मत अच्छी, वो पीहू गई नहीं थी स्कूल, पीहू तो वो भी छोड़ो है। स्कूल नहीं गई थी, और साथ में आज राजेश भैया ने भी छुट्टी कर ली, नहीं तो मैं राजेश भैया को भी भेज सकती थी, पर आज तो मैं ही आती। मेरे को लगता है यार जितनी पास पहुंच जाओ बच्चों के पहुंच जाओ। अभी आज आके मुझे दाल और सब्जी सब कुछ नहीं किया मैंने यार, कुछ मेरा तो दिन शुरू होना था अभी। ये देखो अब ये पूरी लाइन, पूरी लाइन स्कूल रहे हैं, गाड़ी रोक के गाड़ी रोक के जा रहे हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा यार। यस, पहुंच रहे हैं भाई साहब, भीड़ी भीड़ भीड़ी भीड़ बताया ही नहीं था हमें। अच्छा, हाँ, इसको बोर्ड का रिजल्ट, इसको ये लग रहा है बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। मैं तो बल्कि उससे और डर गया था, वो देख लो। लेकिन सब सेफ रहा यार, कुछ भी ना हो किसी भी स्कूल में, बच्चों के साथ यार होना, किसी के साथ भी कुछ ना हो, बच्चों का। मिस्ट्री मैन उधर जाम में फंसे आ रहे हैं, के लिए बड़ा मुश्किल है यार ये चीज़। मेरे को अब सना का भी मैसेज आ गया, 11 बजे हो चुके हैं हर जगह। सना के स्कूल जाते थे, रास्ता काफी खाली है अभी फिलहाल तक तो। यहाँ पे कुछ हो रखा है गुरु नानक पब्लिक स्कूल के, तो भीड़ लगी हुई है, पता नहीं लड़ाई भी हो रही है। पेरेंट्स को दे नहीं रहे वो बच्चे जल्दी से ना यार, इतनी जल्दी स्कूल अथॉरिटीज को भी तो टाइम दो ना, उनको भी तो ट्रांसपोर्ट जल्दी करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, उनका भी साथ बनता है देना। अगर जैसे थ्रेट पे बच्चे हैं वैसे उनके भी तो स्कूल स्टाफ भी तो वैसे ही थ्रेट पे बैठा हुआ है। ये स्कूल सर्वोदय विद्यालय, अभी चाची लेने जा रही है सना को। मेरी फैम सना भी आ गई है, पीछे से बात कर रही थी, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। डर लग रहा होगा देखो, मैं तो कह रहा था सना बहुत डरी हुई होगी, जब से लोग जा रहे हैं। तुम्हें बता दिया था स्कूल में? अरे वो तो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है उसकी, तो बस ये कह रही है जल्दी घर ले निकलो, बस घर ले। और ये मैंने तो मैम को बोला, मैं कहा मैं तो एक दो दिन भैया। अरे काफी सारे स्कूल्स को गवर्नमेंट से वार्निंग आ गई है, कोई छोटी बात थोड़ी ना। हाँ वो तो है ही, डरी हुई है देखो ये तो भाई। मैं और मैं बात भी कर रही थी अंदर मैम से, कह रही नहीं चलो आप भी मत करो बात। और वहाँ पे मुझे टियारा भी मिल गई। हेलो टियारा बच्चे, अगर मैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आती ना तो जरूर तुमसे मिलती, बट आज वो भी वापस जाती, पर वो खुश थी मेरे को देखे, गिरी हेलो आंटी चाची बोल रही थी। चलो चलो जी, दोनों बच्चे आ चुके हैं सेफ एंड साउंड, और अब विश करते हैं दिल्ली में सब कुछ ठीक रहे एक दो दिन तक। कोई पूरी दुनिया में, पूरी दिल्ली यार, अभी थ्रेट तो दिल्ली के लिए है ना, तो दिल्ली में चाह रहे हैं सब कुछ ठीक रहे, और एक दो दिन तक मैं सोच रही हूँ प्रिकॉशनरी मेजर इनको ना भेजूं, क्योंकि यार आज है, अभी अगर एक चीज चली है कहीं ना कहीं से, कहीं तो शुरुआत देखो, कहीं धुआं वहीं से निकलता जहां आग होती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो थी ना। पर अब चलो बच्चे आ गए वापस, सबके बच्चे ठीक ठाक रहे यार, अब घर पहुंचते हैं और फटाफट रूटीन सारा लेट हो गया इन बच्चों को। खाना खा के आया स्कूल में? खाया था थोड़ा सा खाया था। ओ, मेरा बच्चा, मैंने कुछ बनाया भी तो नहीं बताया। लंच खोल लो ना तुमने जो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर चल के थोड़ा सा बस फ्रेश होंगे, तब तक मैं भी खाना वाना बनाती हूँ। आज मैंने इनके बच्चों की फेवरेट चीज बनानी थी, दाल और भें, सोचा हुआ था आज दाल और भें बनाने के लिए, वो देख लो। देखो डरी हुई है, पूछ रही है चाची से। हाँ कोई कोई स्कूल वाले दे ही नहीं रहे बच्चे। दादी सही में डर का माहौल है पूरे उसी, कुछ कुछ स्कूलों में तो बच्चे ही नहीं दे रहे। इन दोनों को तो चलो दे दिया, स्कूल से ही फोन आ गया था। मैं बहुत लेट हो गया, मेरे को ना हेड वॉश करना है, पहले मैं रोटी दाल और ये बनाने हैं, तब तक मैं तड़का लगा कर फटाफट जाती हूँ। फ्रेश होके आ गई और ये यहाँ पे सारा काम हो गया, दाल बन गई है, हो गया टाइम से। टाइम से पर मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, अभी मैं बेचारी। पर यार ये चीज अभी भी मैं सोच रही थी यार, मेरे दिमाग से ही नहीं ये चीज जा रही। मैं तो खैर नेगेटिव में ज्यादा सोचती हूँ, पर ये चीज छोटी नहीं थी।
छोटी तो नहीं थी लेकिन वो ये घबराने वाली बात नहीं थी कोई इतनी। मैंने करना नहीं चाहिए यार, जो सारी अथॉरिटीज है ना सब मिलके काम कर रही है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे ब्लेम नहीं आप कर सकते कि ये उसकी वजह से हो गया। और बहुत अच्छे से हर स्कूल ने मैनेज करा है, बच्चे घर पे हैं बिल्कुल टाइम से। और सबसे बड़ी बात मैम ने बोला, मैम कि कोई पैनिक मत करो, हमारे साथ है बच्चे, आप आराम से टाइम, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था, मैं तो चार फोन कर, टीचर्स का सोचो ना उनको सारे बच्चों को भेजना। सना कर रही है पढ़ाई और मुक्ति कर रही है सफाई, ये बढ़िया था ना। अच्छा हाँ सना क्या कर रही है बेटा? अभी तो कीबोर्ड चेक कर रही थी, पढ़ाई। सना पढ़ाई करते बेटा, अब खाना बन चुका है, जब खाओगे तब खा लेना। और ये देख लो ये दोनों तैयार खड़े हैं, इसने लंच कर लिया, सना तो डर के मारे लंच भी नहीं किया, इसको खिलाती हूँ दाल राइस। इसको दाल राइस खिलाती है मेरी बेटी है ना। अच्छा सुन ना मैं बताती हूँ, आप चलो, सना चुप रहो। अच्छा फिर जिम से होके आओ, फिर आप चलो जाओ। सना आज खा रही है जल्दी लंच, वो लोग जिम चले गए, और सना को 1:15:30 तक ये खाना खा रही है। कैसा लग रहा है सनू? दाल राइस आज मैंने वैसे भी मुक्ति दाल राइस ही सोचे थे। और मुक्ति तुम डरी थी बच्चों का ये बॉम बॉम का सुन के? और मैं तो यहाँ पे सुनी, तो यहीं आके तो मुझे सबके फोन आ रहे थे कि बच्चों को लाओ बच्चों को लाओ। अभी बहुत लेट हो गया, वाटरमेलन मिस्ट्री मैन ने छोड़ दिया, ये खाते हैं। ये देखिए क्रेजी फैम कितना न्यूज़ में भी हर तरफ फैला हुआ है। तो अभी क्या कहते हैं, यहाँ बता रहे हो ना, एक स्कूल है शौर्य के बिल्कुल स्कूल के पास, उस स्कूल में भी कॉल आई थी और 100+ स्कूल्स में थ्रेड था ये। और अभी तृप्ति राज का हाँ ईमेल आया है, और तृप्ति राज का भी वो आया है, क्या कहते हैं, वॉइस मैसेज आया है, वो सना शौर्य का पूछ रही है यार थैंक यू, इतनी दूर बैठी हुई है वो शायद वो झारखंड की है ना, और वहाँ से वो पूछ रही है कि कैसे यार फिकर लगी हुई आप लोगों को, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। अब मुझे ये लग रहा है कल भेजूँ कि नहीं भेजूँ, पता नहीं अभी क्या डिसीजन लेती हूँ मैं। और ये इनके स्कूल के टाइम पे या तनिष्क के स्कूल लाइफ के अंदर पहली बार हुई है ये चीज़। हमने ये ऐसे तो कभी नहीं हुआ, नहीं ऐसे कभी नहीं हुआ, तो चलो देखते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो यार। क्रेजी फैम हम जिम आ गए थे और अब हमारा वर्कआउट भी खत्म होने वाला है, अब इसके बाद हम खेलेंगे पूल की गेम। यस आ गए हैं पूल खेलने, आ चुके हैं जिम से और बिल्कुल हफड़ाफड़ का माहौल है। सर को जल्दी बुला लिया इसने, बताओ अभी बस कितने 5 मिनट में ट्यूशन है इसकी, और आते ही खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हो आप? चिकन राइस, दाल बनी है, सॉरी एग राइस। कैसा लग रहा है आपको एग फ्राइड राइस पोस्ट वर्कआउट में खा के? दोबारा बनाए चाची खा रही है, थोड़े से रायता खाऊंगी, दिल भारी भारी है मेरा। और आज वो जो कमेंट्स वाली आपको बोली थी वो जरूर करेंगे वीडियो, शाम को सब पे रिएक्शन देंगे बढ़िया से, रिएक्शन देने, क्योंकि यार दिल भी कर रहा है और अपना अपना स्टैंड लेना अपने बारे में बताना भी जरूरी है। यस 8:01 PM शाम हो गई है, बच्चों की हो चुकी है पढ़ाई, तो अब हम आज करने बैठे हैं फाइनली ये जो हमारी मोस्ट वायरल हम शॉर्ट्स कर रहे हैं की ब्लॉग के सारे मिक्स है, दो जो तनिष्क के सरप्राइज वीडियो वाली थी उस पे देखते हैं कमेंट्स किसी के कैसे क्या है, इसने शॉर्टलिस्ट किए हैं उस पे रिएक्शन देते हैं और देखते हैं क्या है, हमने खुद भी नहीं देखे बड़े टाइम से। और जो कमेंट्स लिए हैं ना सारे इमोशनली थे, इमोशनली कनेक्ट हो रहे थे लोग उनमें से कुछ करके, बाकी जो अतरंगी से थे ना अलग सी चीज दिखती है जो हमें भी नहीं समझ आए कुछ तो देखते, कईयों ने हमारा मजाक भी उड़ाया, तो अपना मजाक भी फन अपने लिए अपना मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, देखते हैं कोई क्या कहता है। पहला कमेंट, मम्मी के हाथ का खाना नाइस इंडिया, भाई आपने तो याद करा दिया इंडिया, ये बाहर रहते होंगे कहीं, इन्होंने यार माँ के हाथ का खाना की बात नहीं। और मैं आपको बताऊँ कल तनिष्क का सच्ची बताऊँ वीडियो कॉल भी आया, तो सबसे पहले उसने क्या बोला होगा खाने के लिए बताओ? छोले भटूरे खाएगा, और मेरी पाव भाजी भी, मतलब थर्ड डे पे पाव भाजी, मतलब उसने ये चीजें बताई मुझे, तो मैं समझ गई कि वो मिस कर रहा है हमें। ओ भाई साहब मुझे तो रोना आ गया, कितना प्यार करते हैं इस बंदे को सुपर डुपर इस बंदी सबको प्यार करते हैं, जो दूर जाता है ना बताओ कीमत, तभी जो कीमत अब तनिष्क आएगा ना उसको एक अलग सा वो मिलता है स्टेटस, 2 महीने फिर अच्छी भाई, ये अच्छा आइडिया आपने दिया है, मैं आप ऑस्ट्रेलिया में हूँ ड्राइविंग करता हूँ, आपका ब्लॉग देखकर भाई रोना आ गया है, घर का फैमिली पूरा नाइस, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, अब आइडिया भी मिल रहा है वो भी अपने घर, पता है क्या सरप्राइज देने से और कुछ नहीं है, सरप्राइज देने का रीजन ये होता है कि आपकी फैमिली ना जो खुश वैसे भी होगी,
बट उससे जो एक सडन वो एक खुशी मिलती है, पर मेरे को लगा था मेरे को तो हार्ट फेल ही हो जाता है। और हमारी वीडियो देख के मोटिवेट हो जाए तो हमारे लिए तो और अच्छी चीज है, जरूर सरप्राइज देना आप भी। और मैंने सबको हाँ कमेंट भी किया था कि जरूर देना चाहिए यार, फैमिली खुश होती है बहुत। चलो नेक्स्ट, आई थिंक फर्स्ट वीडियो विद जेन्युइन रिएक्शन, थैंक यू सो मच। मैं बताऊं पता चलता है कई लोगों ने इसमें भी हमें हेट कमेंट्स भी दिए होंगे, मुझे लगता है स्क्रिप्टेड बताती हूं अभी। चलो पिंक ड्रेस वाली लुक लाइक पंजाबी सिंगर अमर नूरी देखो कौन और इतने एक मिनट मैं अमर नूरी को तो रुको और इतने इमोशंस में उनको मेरी शक्ल मिल गई इनकी तरह यार लग रही है थोड़ी बहुत। हाँ। आई आगे लग रही है क्या? नहीं लग रही है, बताना मुझे लगता है दादी लग रही है ये चाची की तरह। नहीं दादी ने मना कर दिया तो मतलब नहीं। चलो आप भी बता दिया ना, थोड़ा ज्यादा एक्टिंग हो गया, ये वही जो हम अभी बात कर रहे थे, आपको थोड़ा ज्यादा हो गया, पर ये भी बता देते किसकी पर वो सच्ची बताऊं जेन्युइन रिएक्शन से बाकी मेरा तो देख पाए आपने जेन्युइन, बस मैं ऐसे हो गया मेरा था। मतलब सबसे जेन्युइन था, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, वही बात है। सिर्फ मिस्ट्री मैन मेरे को पता था, सिर्फ गीता पे हाथ नहीं रख सकते और ये हमारा इन लोगों का नेचर है। और लोग कह रहे हैं वीडियोग्राफर कैसे आ रहा है कि हां कि कैमरा दिख नहीं रहा, ये तो इनविजिबल कैमरा है ऐसे करके, बट वो हमारे हिसाब से नॉर्मल व्लॉग बन रहा था क्योंकि हमें आदत है इस चीज की। जब वो सामने तनिजी के तो ध्यान तो वैसे नहीं रहेगा इन लोगों। अब सुबह मैं स्कूल जा रही थी तो इसने कैमरा ऑन किया हुआ था, तो अब मैं जिस मर्जी इमोशन में हूँ मेरे वही इमोशन सामने आएंगे, क्योंकि उस टाइम मैं उस माइंडसेट में नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ। मेरा टेंशन ये थी, मेरा रीजन ये था कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए सेफली। रश बहुत था, टेंशन बहुत थी, पर कोई बात नहीं, आप बोलोगे पैनिक करते हो, करती हूँ। रविंद्र जडेजा एंड हिज वाइफ लाफिंग इन कॉर्नर, ये समझ नहीं आया, ये नहीं कमेंट समझ आया। या तो मैं बताऊं, अगर आप में से किसी को समझ आया तो आप बताना, हमें तो समझ ही नहीं आया उस वीडियो को देख के। रविंद्र जडेजा एंड हिज वाइफ समझ नहीं आया, इसलिए तो नहीं है कि जैसे वो दोनों उनको इग्नोर किए मिले ना हो या पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, ये आप लोग बता देना। अगर आप ही देख रहे हैं जिन्होंने किया तो आप ही कमेंट कर दो, आप ही बता देना, हमें नहीं समझ आया। तुम्हारा बेटा लगता नहीं है वो, तुम तो बहुत गोरी हो और मॉडर्न भी हो, और मॉडर्न भी हो, दोनों हाथों पे टैटू है। टैटू दिख गए मेरे यार, आप मॉडर्न हो, तनिष्क नहीं है। और मेरा भी बेटा है, मेरा तो क्या हो गया यार, यंग माया। आजकल आपने मूवीज में भी देखा होगा यंग माया दिखा रही, उस दिन मैंने कौन सी मूवी देख रही थी, मैंने कहा यार अब माए भी ना वो पहले जमाने में रूपा लावे टाइप होती थी, अब संतूर मॉम्स का जमाना है, और माए माए जो है ना अपने को उतना मेंटेन कर रही है ताकि बच्चों की शादी पे दुल्हन से कम ना लगे। चल फिर 50 रुपया काट भाई लड़की की ओवर एक्टिंग का, लेकिन नीचे भी है इसके, जस्ट जोकिंग दोस्त, फैमिली बहुत खुश हो जाती है जब किसी अपने से बहुत दिन के बाद मजाक किया होगा तो ठीक है, बट खुश होती है, थैंक यू सो मच। और चलो चलो क्या दावा करते हो बेकार, थैंक यू। और ये जस्ट अभी 5 दिन पहले आया, कोई बात नहीं, आपको जिसको अच्छा लगा अच्छा लगा, नहीं लगा तो आपने भी पूरी वीडियो देखी ना, अच्छी लगी ना आपको, कितनी बार रिपीट की ये भी बताना, थैंक यू कमेंट करने के लिए। चलो Somehow to me, his mom looks like दिव्या खोसला कुमार। हाँ जी, दिव्या खोसला कुमार टी सीरीज भूषण कुमार भाई, लवली व्लॉग दो उनकी तरह तो लगते हैं थोड़े बहुत। मैं दिव्या खोसला की तरह, मैं कृतिका की तरह लगती हूँ, मैं दिव्या खोसला की तरह लगती हूँ, मैं अपनी तरह लगती हूँ। श्रद्धा कपूर, ये देखो श्रद्धा कपूर तो मेरा बच्चा बोलता है। नहीं दादी, ये इनका फेस की तरह थोड़ी बहुत, अरे वो किसी फोटो वोटो में ना होता है उधर लगते हो, अब जैसे फोटो यहाँ लग रही थी ये पोनी वाली में, मुझे लगता है ऐसा, ये देख इसमें इधर नहीं पीछे वाले में इधर लग रही हूँ मैं, इसमें लग रही है जिसकी दादी ने, जिसकी आंखें बड़ी और आईब्रोज ऐसे है ना थोड़ी डार्क, उनका वो लगती होंगी। चलो यार थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है सोशल मीडिया फालतू गिरी ऑन टॉप, कोई हमने आपको इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया कि आपने कमेंट कर दिया, थैंक यू सो मच। और हमारे और भी ब्लॉग्स देखिए आप, फर्जी की ओवर, ये मुझे समझ नहीं आया, फेक ओवर एक्टिंग, फर्जी मतलब फेक, चलो अच्छा नहीं मुझे लगा फर्जी सीरीज के बारे में तो नहीं, फेक ओवर एक्टिंग, चलो कोई बात नहीं, ओवर एक्टिंग, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। और जाके नहीं देखा तो ब्लॉग्स भी देखिए, द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, दोज़ हू हैव फैमिली, बिल्कुल ट्रू, ये गाना बना फैमिली इज मनी, गाना बना ना अपने तो अपने होते हैं, ये जो तनिष है ना, तनिष फील करवा रहा है उस चीज को, yes. तभी उसको वैल्यू भी ज्यादा है, अभी उनको वैल्यू नहीं है, अभी ये लोग कहते हैं चाची को भी उनकी ज्यादा है। एक साल बाद आया है, 10 साल नहीं, जो इतना खौफनाक रिएक्शन दे रही है मैडम। देखो जी
अपनी अपनी हर बच्चे की वैल्यू होती है हमारे लिए. वो जो 8 महीने थे, 1 साल भी पूरा नहीं था, 8-9 महीने थे. 9 महीने हमारे लिए 9 साल के बराबर थे. तो हमारे लिए, हमारे लिए, हमारी जिंदगी में उसकी बच्चे की वैल्यू इतनी ज्यादा है, उसकी नहीं तीनों की वैल्यू इतनी ज्यादा है. मैं सच्ची बताऊं तो इसीलिए हमारा कोई भी बच्चा हफ्ते बाद भी वापस आता है तो यही रिएक्शन आता है, वही एक्साइटमेंट आती है. तो वही देखने को मिलेगा, व्लॉग्स देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे लगने लगे. भाई इतने प्यार के लिए परिवार चाहिए, वेरी लकी भाई. भाई कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलीज नहीं है यार. ये पढ़ के ना आप लगता है कि आप लोग कितने प्रिविलेज हो. हम लोग ये बच्चे कितने प्रिविलेज हैं कि इनको पूरी एक फैमिली मिल रही है यार. जहाँ आजकल लोग मतलब एक दो फैमिली, मतलब दो मेंबर्स हैं, तीन मेंबर्स हैं हमारे घर में टच होल्ड, और ऐसे ही भगवान प्यार बनाए रखे. और हम भी आपकी फैमिली है, कमेंट करो ऐसी रोज. One minute ago, wow. If I had that beautiful family and nice house, I would have never gone abroad. हाँ, ठीक है, मजबूरियाँ कुछ काम इंसान से करवा लेती है. वो पढ़ने गया था, वो अपनी स्केटिंग के लिए गया था, के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए गया था. उसके लिए हम भी उसका साथ दे रहे हैं. और हाँ ठीक है, बच्चे करेंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे. ये नहीं है कि बच्चे ही वहाँ रहेंगे, बट एक सेटल होने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो तपस्या बच्चा भी करता है, पेरेंट्स भी करते हैं. तो वो जरूर करनी पड़ती है. और ठीक है यार, अच्छे फ्यूचर के लिए माँ बाप को इतना सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है. इस वीडियो में सिर्फ माँ ही बहुत सरप्राइज हुई है, एक छोटा भाई. तो सबको ऐसे ही एक्सप्रेशन दे रही है भाई. चलो ठीक है, पर सबको सबका अपना अपना नजरिया होता है. मुक्ति ने भी दिया था एक्सप्रेशन, वो रियल था. उनका तो बहुत ही शानदार था. आप ब्लॉग जाके देखिए, बहुत मतलब बहुत शानदार रियल. देखो कई बार क्या होता है कि आप एक्सप्रेस करते हो ना, तो कई बार ये होता है बहुत लाउड एक्सप्रेशन आते हैं. कई बार होता है जैसे चाची का नम था बिल्कुल, मेरा भी साइलेंट था. तो ऐसा नहीं होता, कई बार आपको समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है. तो ऐसा मिले जुले एक्सप्रेशन आते भाई, किसके किसके गूज़बम्स आने लगे मेरे. आप मानो अभी भी वीडियो देखते हैं ना, अभी भी मैं देखती हूँ, मैं रोती हूँ. अब मेरे को क्या पता है, मुझे पता है वो चीज, सब कुछ पता है क्या आगे होने वाला है. पर वो मैं अभी भी उसको देख के मेरी आंखों में आंसू आते हैं. कभी भी आप चेक कर ले. Mesmerizing, love you family. Sonu Nigam, Mads, melting love. Pink lady must be the boy's mom. Oh, so touching. The person who has shot the video must be a beautiful lady. Thank you. कईयों ने इसको गाली भी बहुत मिली है कि इनविजिबल कैमरामैन वो तो हमने शायद वो तो अभी एड्रेस करी. बट हाँ ब्यूटीफुल, वो शायद वो डिलीट भी कर चुके, दिखाई नहीं कभी. ब्यूटीफुल एंजल है ये. हाँ यार, इसने वो चीज कैप्चर की. और एक और एंजल है मिस्ट्री मैन भी, जिनको अभी जो कैमरे के पीछे से जिन्होंने जो ये चीजें मैनेज करा है सारा. और सबसे बताऊं, सबसे छोड़ के ये चीजें जो प्लान की जाती है ना, ये मेरा रिएक्शन देखने के लिए की जाती है. मेरा नेचर ऐसा. पहला वाला सरप्राइज का विजिट भी आप देख सकते हो. yes, बहुत उसमें मेरा लाउड आया था. था तू वो अभी इसके बाद वो क्लिप वो क्लिप लगा दो यार, इसके बाद देखना पहले का रिएक्शन देखना, नहीं तो पूरा ब्लॉग जाके देखना. उसमें मेरा कैसा आया था, दोनों लगाइए. दोनों लगाता हूँ सरप्राइज. पूजा मेरी, पूजा मेरी, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही बेचारी, ना रो पा रही है ना हंस पा रही है. वो ब्लैंक हो गई है. क्या हो गई है? वो बहुत कब आया था भैया, कितने टाइम बाद आया था फर्स्ट सरप्राइज में? तब भी सरप्राइज दिया था. 5-6 महीने बाद. 6 महीने बाद फिर अगला आया, 9 महीने बाद. दोनों में मेरा देखना जमीन आसमान का फर्क है. मार साले को पटक के मार, आने दो मारते हैं उसको. जरूर आपकी डिमांड पे. तेरे लिए मारने को बोला कर रहा था मार के. I literally crying at this point. इमोशनल थी काफी ये भी. अब पढ़ लो जी दोनों बच्चे. पढ़ लो. Mom always wanted me near her in India and it's her birthday today, so I am saying this from the bottom of my heart. Choose to be with your loved ones when you have a chance to before it's too late. Seriously, बहुत अच्छी बात कह गए वो डेप्थ में. और 31 मिनट्स पहले ही आया है उन्होंने जो ये चीज बोली कि फैमिली को टाइम देना. अभी तुम ग्रांटेड लेते हो, अभी तुम ग्रांटेड लेते हो मम्मी की, तुम गेमिंग करते रहते हो. अभी ये बच्चों के पास टाइम नहीं है, बट जब इंसान वो पास नहीं होता ना उसकी, आप वो चीज रिग्रेट करते हो. बस अब ब्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, ये चाहिए था हमें कि कमेंट हम आपके साथ रीड करें, अपनी खुशी, अपना गुस्सा, अपना एंगर सब आपके साथ दिखाए. तो आप शाउट आउट ले लेते हैं. डिनर तो क्या ही दिखाऊंगी, क्योंकि एक होता है ना टाइम के बाद ब्लॉग बहुत ज्यादा, फिर वो चीज मोनोटोनस लगनी शुरू हो जाती है. और आज का शाउट आउट जाता है तृप्ति राज को. मैं जैसा कि पहले बताया, उसका जैसे न्यूज देखी उसने वॉइस नोट भेजा. बात ये नहीं है, एक ये होता है वो अभी इस टाइम अपनी
एंट्रेंस की तैयारी में लगी हुई है और बहुत ज्यादा फोकस्ड और उधर ध्यान है उसका, बट वो शॉर्ट्स देख लेती है, उसने जैसे ही न्यूज देखी उसको इन दोनों का ध्यान आया। तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि आप उनको भाई बहन की तरह बोलने के लिए नहीं, सीरियसली आप फील करते हो कि दिल्ली में आपकी फैमिली बैठी हुई है। तो थैंक यू सो मच तृप्ति और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे काम के लिए, खूब अच्छा करो ताकि हम भी बोले यार हमारा बच्चा ये कर चुका है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। चलो, प्लीज।